आज हम लैपलास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पहले लेक्चर में हमने देखा फॉर्मूलेज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, हाइपरबोलिक फॉर्मूले एंड फॉर्मूले ऑफ गामा फंक्शन। ये लेक्चर 11th 12th JEE मेन एंड एडवांस के बच्चों ने नहीं देखना। दिस इज लेक्चर नंबर 2। आर्टिकल 1, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म। लैपलास ट्रांसफॉर्म किस किस फंक्शन के मालूम है? कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक एंड अलजेब्रिक टी रेस टू एन। सो एल ऑफ साइन स्क्वायर टी, हमें लैपलास ऑफ साइन टी मालूम है, साइन स्क्वायर टी मालूम नहीं है। तो आपको साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला मालूम है, 1 minus cos 2t upon 2। बिचारे 1/2 को बोला बाहर आ जा। देखो भाई, लैपलास के अंदर 1 आया, 1 का लैपलास 1/s, cos 2t का लैपलास s/s² + 4। नाउ लैपलास ऑफ साइन टी हमको मालूम नहीं है, मालूम है साइन स्क्वायर टी मालूम नहीं है, लेकिन साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला मालूम है। अकॉर्डिंगली हमने लिख दिया लैपलास ऑफ साइन क्यूब टी, हमें लैपलास ऑफ साइन टी मालूम है, साइन क्यूब टी नहीं, साइन क्यूब टी का फॉर्मूला मालूम है। व्हाट इज द फॉर्मूला? 1/4 3 sin t - sin 3t। 3 एज इट इज, साइन टी का लैपलास साइन 3t का लैपलास 3/s² + 9। जैसे साइन स्क्वायर साइन क्यूब हुआ, वैसे ही कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब होगा। एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, साइन हाइपरबोलिक टी का हमें लैपलास मालूम है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर टी का फॉर्मूला मालूम है, 1/2 cos hyperbolic 2t - 1 cos hyperbolic 2t का लैपलास क्या है रे? s/s² - 4 - 1/s। एल ऑफ साइन हाइपरबोलिक क्यूब टी, फॉर्मूला क्या है रे? साइन हाइपरबोलिक 3t - 3 sin hyperbolic t / 4। ये बन गया 1/4 3/s² - 9 - 3 × 1/s² - 1। सो स्क्वायर
क्यूब साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक क्यूब, जैसे साइन में हो गया वैसे ही कॉस में होगा, कॉस स्क्वायर टी, कॉस क्यूब टी, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर टी, कॉस हाइपरबोलिक क्यूब टी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रोडक्ट आएगा, हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक का प्रोडक्ट आएगा। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, एल ऑफ साइन टी साइन थ्री टी। कल हमने फॉर्मूले देखे, टू साइन ए साइन बी, यहां टू है क्या, नहीं है, जब टू नहीं है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय टू किया, नाउ यहां क्या होगा रे, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, एंगल पॉजिटिव नहीं है, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता रे, कॉस थीटा, कॉस टू टी माइनस कॉस फोर टी, ये बन गया 1/2 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। लैप्लास ऑफ कॉस 2t कॉस 5t, देखो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला 2 के साथ होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करेंगे, यहां एंगल था टी एंगल 3t, एक बार एंगल का सब्सट्रैक्शन होता एक बार एंगल का एडिशन होता, इसीलिए क्या किया जाए, बड़े एंगल को पहले लिख दिया जाए 1/2 cos 5t cos 2t 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता रे, cos a plus b plus cos a minus b 1/2 s upon s square plus 49 एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। एल ऑफ साइन टी कॉस 2t, और हमने क्या किया रे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये बन गया 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। बाबू जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में आया वैसे ही किस में होगा, हाइपरबोलिक में। हमने हाइपरबोलिक के फॉर्मूले भी कल देखे, हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक के फॉर्मूले लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले लगाएंगे। अभी देखते हैं हाइपरबोलिक, लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 2t
हाइपरबोलिक 40। सो प्रोडक्ट में फॉर्मूला तो है नहीं, एक बार एंगल का एडिशन करते, एक बार एंगल का सब्सट्रैक्शन करते, एंगल का सब्सट्रैक्शन करते, इसीलिए क्या करना, बड़े एंगल को पहले लिखना। 1/2 2 कॉस हाइपरबोलिक 40 इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? 2 कॉस हाइपरबोलिक ए साइन हाइपरबोलिक बी, साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए प्लस बी माइनस साइन हाइपरबोलिक ए माइनस बी। ये आया 6/ एस स्क्वायर माइनस 36 2/ एस स्क्वायर माइनस 4 एल ऑफ कॉस हाइपरबोलिक टी कॉस हाइपरबोलिक 2t। 1/2 2 इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2t कॉस हाइपरबोलिक टी। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे? कॉस हाइपरबोलिक ए प्लस बी प्लस कॉस हाइपरबोलिक ए माइनस बी। 1/2 ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक एंड हाइपरबोलिक। अभी होगा अलजेब्रिक। एल ऑफ टी क्या होगा रे? देखो टी रेस टू एन का फॉर्मूला बोला, गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। देखो एल ऑफ टी गामा वन प्लस वन अपॉन, क्योंकि पावर यहां एन था या वन है, वन प्लस वन इज टू, गामा टू अपॉन ए स्क्वायर, गामा टू इज वन फैक्टोरियल एंड वन फैक्टोरियल इज वन। एल ऑफ टी स्क्वायर गामा थ्री अपॉन एस क्यूब। एल ऑफ टी क्यूब गामा एन प्लस वन, थ्री प्लस वन इज फोर, दिस इज थ्री फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इज सिक्स। एल ऑफ टी रेस टू फाइव क्या होगा बोलो रे? जो भी पावर है उसमें एक ऐड करना, फाइव प्लस वन सिक्स, गामा सिक्स अपॉन फाइव फैक्टोरियल इज फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। चारा पंचे वीस त्रिक साठ धोनी, अरे साठ धोनी। ये हो गए लैपलास। जब टी का पावर पॉजिटिव इंटीजर हो, अभी क्या होगा? पॉजिटिव रियल नंबर। अभी लेंगे पॉजिटिव रियल नंबर। एल ऑफ
टी रेस टू हाफ, गामा हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन इज थ्री बाय टू। यदि कोई आज ये लेक्चर नंबर टू देख रहा है तो उसको समझने का कोई चांस नहीं। लेक्चर नंबर वन देखना, उसमें सब बेसिक लिया था, बेसिक समझ में आया तो ही लैपलास समझ में आएगा, नहीं तो लैपलास कभी भी समझ में नहीं आएगा। गामा थ्री बाई टू इज वन बाई टू, गामा वन बाई टू, गामा वन बाई टू इज रूट पाई अपॉन यस रेस टू थ्री बाई टू। एल ऑफ थ्री रेस टू टी रेस टू थ्री बाई टू, बोलो थ्री बाई टू प्लस वन इज फाइव बाई टू, और फाइव बाई टू क्या होगा, थ्री बाई टू वन बाई टू गामा वन बाई टू अपॉन अरे अपॉन यस रेस टू फाइव बाई टू। बेधोनी चार, समझो यल ऑफ टी रेस सेवन बाई टू आया, सेवन बाई टू प्लस वन क्या होगा नाइन बाई टू, एंड नाइन बाई टू इज सेवन बाई टू फाइव बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू गामा वन बाई टू अपॉन यस रेस टू नाइन बाई टू। सेवन थ्री जा सॉरी सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव थ्री जा एकशे पांच अपॉन यस रेस टू नाइन बाई टू इन टू रूट पाई। भाई किसी को लगेगा ये कुछ कुछ बाई टू ही लिया है, कुछ कुछ बाई थ्री लेते तो चेक करें, थ्री बाई वन बाई थ्री वन बाई थ्री। आपको मालूम है गामा एन प्लस वन का फॉर्मूला क्या होता, एन गामा एन वन बाई थ्री प्लस वन इज वन बाई थ्री गामा वन बाई थ्री। लेकिन लेकिन गामा वन बाई थ्री की वैल्यू मालूम नहीं है, इसीलिए ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, ये हो गए पॉजिटिव रियल नंबर। अब क्या होगा निगेटिव रियल नंबर, एल ऑफ टी रेस टू माइनस हाफ, एन का वैल्यू माइनस हाफ, सो इट इज यस माइनस हाफ प्लस वन अपॉन यस रेस टू माइनस हाफ प्लस वन। माइनस हाफ प्लस वन इज गामा हाफ, गामा हाफ इज रूट पाई अपॉन यस रेस टू वन बाय टू। टी रेस टू माइनस वन बाय थ्री आया, सो द वैल्यू ऑफ एन इज माइनस वन बाय थ्री। माइनस वन बाय थ्री प्लस वन इज टू बाय थ्री। आर यू नोइंग द वैल्यू ऑफ गामा टू बाय थ्री, बिल्कुल नहीं, सो ये गामा टू बाय थ्री ही रहेगा। और ये हो गए सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म।
हमने लिखा था आर्टिकल वन, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन लैपलास ट्रांसफॉर्म। इसके नीचे जो चालू किए थे उसको टाइप नंबर वन लिखना, ठीक है। ये सिंपल प्रॉब्लम्स का नाम क्या लिखा? टाइप नंबर वन। अभी लेते हैं टाइप नंबर टू, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। टाइप नंबर टू, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? अपने को मालूम है लैपलास ट्रांसफॉर्म किस पे एक्ट करता, टाइम पीरियड टी पे कन्वर्ट किस पे करता, पैरामीटर एस में। एज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए। सला पढ़ो रे मेरे साथ, एज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए। बोलो और एक बार, एज एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, देन एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए। क्वेश्चन नंबर वन, इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एस प्लस वन अपॉन एस क्यू प्लस एट, फाइंड एल ऑफ एफ ऑफ थ्री टी। अपने को क्या दिया रे? एफ ऑफ एस इज एफ ऑफ टी, एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस, तो ये हो गया एफ ऑफ एस। अपने को क्या चाहिए? एल ऑफ एफ ऑफ थ्री टी। सो क्या होगा? वन बाई थ्री एफ ऑफ एस बाई थ्री। वन बाई थ्री एफ ऑफ एस बाई थ्री का मतलब रिप्लेस एस बाई एस बाई थ्री इन एफ ऑफ एस। एस बाई थ्री प्लस वन अपॉन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी? एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए। बोलो रे, एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए। एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई एफ ऑफ एस बाई ए। क्वेश्चन नंबर दो, इफ एल ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस अपॉन प्लस वन अपॉन एस रेस टू फोर प्लस थ्री एस स्क्वायर प्लस फोर, देन फाइंड एल ऑफ एफ ऑफ टू टी। हमें क्या दे दिया बाबू? गिवन दैट एफ ऑफ एस इक्वल टू अपॉन ये एफ ऑफ एस दे दिया, एल ऑफ एफ ऑफ टू टी इक्वल टू वन बाई टू, दिस इज एस बाई टू होल स्क्वायर
प्लस प्लस थ्री व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर चेंज ऑफ स्केल? एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए। बोलो रे, एल ऑफ एफ ऑफ ए टी इक्वल टू वन बाई ए एफ ऑफ एस बाई ए। और यदि आपको लैपलास डिटेल में पढ़ना है तो ऑफलाइन पे औरंगाबाद महाराष्ट्र में सिडको N6 एंड उस्मानपुरा में पाठक मैथमेटिक्स क्लासेस चलते हैं। यदि आपको लैपलास डिटेल में पढ़ना है तो ऑफलाइन आप उस्मानपुरा के ब्रांच में या सिडको के ब्रांच में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, कल देखेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ठीक है, थैंक यू।